वेलकम टू प्रोमो ऑनलाइन क्लासेस। इस वीडियो में हम देखेंगे थर्मल इंजीनियरिंग के थर्ड चैप्टर बॉयलर का पार्ट फोर। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट वन और पार्ट टू और पार्ट थ्री कंप्लीट कर लिया है और इस वीडियो के में हम देखेंगे पार्ट फोर। तो आइए कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं इसमें क्या पढ़ना है। आज के वीडियो का जो टॉपिक है, आज हम लोग देखेंगे बॉयलर के मेन पार्ट्स ऑफ बॉयलर। ठीक है, जो बॉयलर के मुख्य पार्ट्स हैं इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि बॉयलर के कौन कौन से मेन जो है उसके पार्ट्स हैं और वो क्या काम करते हैं और कहाँ पे वो लगे होते हैं, तो उसकी पोजीशन क्या होती है बॉयलर में, ये चीज़ हम लोग समझेंगे। इसको समझने के लिए हमने क्या किया है, सबसे सिंपल वाला बॉयलर लिया। इसका नाम ही है सरल, इसका नाम ही है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ सिंपल वर्टिकल बॉयलर, इसका नाम जो है, इसका नाम ही है सरल खड़ा बॉयलर, मतलब सिंपल वर्टिकल बॉयलर। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, इसके बाद से तब इसके थियोरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग इसे नीचे से देखना स्टार्ट करें तो सबसे पहले मोटी मोटा समझा जाए तो ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये हमारी भट्टी है, जो फर्नेस है यहाँ पर है। इसके बाद से इसके सेल में यहाँ पर देखेंगे वाटर जो है स्टोर किया गया है। इसके बाहर वाले बॉडी को हम पूरा सेल कहते हैं, खोल कहते हैं इसे, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे जो आपको चिमनी है, ठीक, ये चीज़ मतलब तीन मेन पार्ट जान गए कि आप यहाँ पे फटने से ये इसको पूरा सेल करते हैं और ये जहाँ से हमारा वेस्ट गैसेज जो होती हैं वो हमारी बाहर निकलेंगे, जो धुआं होता है वो हमारा चिमनी से बाहर निकलेगा। अब बारीकियाँ से हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। अब तो देखें जो सबसे नीचे होता है, ठीक है, आप घर में जो यूज होता है, जो आपके घर में भट्टी यूज होती है खाना बनाने के लिए, अक्सर वो यूज किया करते थे या फिर ठंडियों में यूज करते हैं, उसमें आप देखते हैं नीचे एक जाली लगी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक जाली लगी हुई है। इस जाली पे होता क्या है कि कोयले को रखा जाता है और उसे जलाया जाता है। तो यहाँ पर भी एक जाली लगी हुई है और इस भट्टी के नीचे लगा होता है। इस जाली के ऊपर क्या होता है, जो कोयला जलाया जाएगा उसको रखा जाएगा, ठीक है। तो ये जहाँ पर कोयला रखा जा रहा है ये पूरे स्पेस को बोला जाता है फायर बॉक्स। क्या बोला जाता है, फायर बॉक्स। और जाली किस लगी होती है कि कोयला ऊपर जलेगा और नीचे क्या होगा, राख गिरेगा। जहाँ राख गिरता है उसको बोलते हैं राख गर्त, मतलब कि एस्पिट। क्या बोलते हैं उसको, एस्पिट बोलते हैं, ठीक है। तो इतना हम जान गए कि एक जाली लगा होता है, जैसे कि हम लेखें देखेंगे जी जाली को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जी जाली लगा हुआ है, जाली के ऊपर कोयला रख के जलाया जाएगा। जहाँ पर जिस चैम्बर में कोयला जलाएगा उसको हम लोग बोलते हैं फायर बॉक्स। और जाली के नीचे हमारा क्या होता है, जो राख होता है वो गिरता है, उसे बोलते हैं एस पिठरा गर्द, ठीक है। अब और देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा स्पेस बना हुआ है, ठीक है ना। इस स्पेस को बोलते हैं फायर होल, जो जहाँ से कोयला वगैरह डाला जा सके उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फायर होल। तो ये भी पार्ट है बॉयलर का, जहाँ से इस जो स्पेस दिया गया है इसे हम लोग कह रहे हैं फायर होल, ठीक है। अब देखिए और क्या दिखाया गया है, इसमें जो है अंदर की तरफ जो सेल है, जो अंदर की दीवारें हैं भट्टी की, उसे बोला गया है इनर सेल, ठीक है, इंटरनल सेल या फिर इनर सेल, आंतरिक खोल इसको कहा गया है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी एक होल बना हुआ है, ठीक है, जिसे बोला गया है हैंड होल, ठीक है। इसमें हाथ डाल के हम जो भी उसमें सफाई वगैरह काम है या फिर जो भी काम उसमें हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए बाहर का जो सेल के बारे में बताया, उसके बारे में बताया गया है कि हमारा आउटर सिलेंड्रिकल सेल है, ठीक है। उसके अलावा इसमें एक और है होल है, जैसे यहाँ देख रहे हैं तो ये हमारा मेन होल है। मेन होल का ये मतलब कि इसमें आदमी अंदर जा करके जो भी इसकी मरम्मत का काम है या फिर सफाई का काम है वो कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो है इसमें चिमनी है जहाँ धुआं बाहर निकलता है, ठीक है। ये टॉप का जो है पोर्शन है जिसे हम खोल शीर्ष करते हैं, ठीक है। ये भट्टी सिर से यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ बॉयलर भट्टी है। तो ये चीज़ें बॉयलर में होती हैं, जो चीज़ें यहाँ से, ये सिंपल बॉयलर है तो इसमें दिखाया गया है पार्ट सारे यही होंगे, लेकिन बॉयलर चेंज हो जाने से उसकी पोजिशनिंग बदल जाएगी, ठीक ना। तो सबसे सिंपल बॉयलर हम लोगों ने लेकर समझ लिया कि बॉयलर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो आइए अब इसके थियरी पर चलते हैं, इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और आप अच्छे से अपने से भी पढ़ेंगे बहुत अच्छे से तो समझ में आएगा। एक बार हमारे समझाने के बाद इसको PDF को डाउनलोड करिए, उसके बाद से आपसे खुद से और अच्छे से पढ़ के समझिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं हम लोग, ठीक। अब देखिए यहाँ पर बात की जा रहा है बॉयलर सेल के बारे में, उसके खोल के बारे में। तो इसको खोल के बारे में क्या बताया गया है, यह इस्पात चादर द्वारा निर्मित बेलनाकार आकृति का होता है,
खोल के सिरे बंद होते हैं, जैसे कि ऊपर देखा गया खोल के सिरे बंद होते हैं, जो चपटे उत्तल या फिर अवतल हो सकते हैं। यहाँ क्या बताया गया बॉयलर सेल के बारे में, जो उसका बाहरी खोल है उसके बारे में क्या बताया गया, जो उसके बाहर का सेल है उसके बारे में बताया गया है कि ये इस्पात चादरों द्वारा निर्मित बेलनाकार आकृति का होता है, इस्पात चादरों का बना होता है और बेलनाकार आकृति का होता है। इसके सिरे बंद होते हैं, जो ऊपर का सिरा है वो बंद होता है, और उसका सिरा ऊपर का कैसा हो सकता है, चपटा हो सकता है, उत्तल हो सकता है और अवतल हो सकता है। ठीक है, ये बॉयलर सेल के बारे में बताया गया। ये आप लोगों को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आप लोग के दिमाग में जब कंटेंट होगा तभी आप एग्जाम में लिख के आ पाएंगे। वैसे जानकारी होने से आप अपनी भाषा में लिखेंगे, अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आप अच्छे से मतलब एक्सप्लेन करके उसको लिख करके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसमें आगे बताया गया है बॉयलर खोल में पानी संचित किया जाता है, मतलब बॉयलर खोल में पानी को स्टोर किया जाता है और निर्मित भाप को पानी के ऊपर खाली स्थान पर एकत्रित किया जाता है। मतलब कि हाँ ये बता रहा है जो कंटेनर है वो एक ही है, इसके निचले भाग में क्या होता है पानी को स्टोर किया जाता है, और जब इस पानी को गर्म करने जब भाप बनती है तो इसी के ऊपर जो है इसमें स्टोर किया जाता है। ये इस टाइप का बॉयलर है। इसमें अलग तरह के बॉयलर भी आते हैं, जो वाटर स्टोर करने का कंटेनर अलग होता है और स्टीम को स्टोर करने का कंटेनर अलग होता है, ऐसे भी बॉयलर आते हैं। ठीक ना, तो ये चीज़ यहाँ बताया गया। क्या बताया गया, बॉयलर खोल में पानी संचित किया जाता है और निर्मित भाव को पानी के ऊपर खाली स्थान पर एकत्रित किया जाता है। आगे देखिए, बॉयलर खोल पर बाहर की ओर दाब गेज मतलब प्रेशर गेज तथा जल तल सूचक मतलब वाटर लेवल इंडिकेटर तथा सेफ्टी वाल्व आदि लगे होते हैं। जब बॉयलर सेल है उसके ऊपर क्या लगा होता है, प्रेशर गेज लगा होता है, मतलब उस प्रेशर बताता है जब स्टीम जनरेट होती है उसी में स्टोर होता है तो उसका प्रेशर बढ़ता जाता है, तो वो प्रेशर बताता है कितना प्रेशर है। बहुत ज़्यादा प्रेशर होने पर बॉयलर फट भी जाता है, इस तरह उसकी जो लिमिट होती है उस लिमिट तक उसमें स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो प्रेशर गेज बताता है। वाटर लेवल इंडिकेटर जिसमें पानी की मात्रा को बताता है, पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा कम होने पर भी दुर्घटना हो सकती है, एक निश्चित मात्रा तक उसमें वाटर का होना जरूरी है, इसलिए वहाँ पर क्या लगाते हैं, वाटर लेवल इंडिकेटर लगाते हैं। सेफ्टी वाल्व लगाते हैं, जो सेफ्टी वाल्व मतलब कि जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये रिलीज कर दे, जैसे कुकर में सीट लगा होता है वैसे यहाँ पर सेफ्टी वाल्व का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो होती हैं बॉयलर सेल पे मतलब कि बॉयलर के खोल पे ऊपर की तरफ लगी होती हैं। ठीक, इतनी बात ही हम बात जो है हम लोग ने सेल के बारे में जाना है। एग्जाम में अगर पूछा जाएगा मेन पार्ट्स के बारे में तो बॉयलर सेल हेडिंग डाल के ये सब चीज़ इसमें लिखनी होंगी। हमें आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास हेडिंग है बॉयलर सेटिंग। बॉयलर सेटिंग क्या होता है यह हम समझ लेते हैं। बॉयलर सेटिंग का ये मतलब कि हम लोग जानते हैं कि बॉयलर के अंदर बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, तो ये उस हीट से जो जिस भी मेटल का जो सीट होगा सेल होगा वो क्या होगा, पिघल जाएगा। उससे बचने के लिए हम लोग ब्रिक लगाते हैं, मतलब कि जैसे देखते होंगे जो छोटी भट्टी होती है मिट्टी अंदर लगा गया होगा, उसी प्रकार से यहाँ पर फायर ब्रिक लगाते हैं। ठीक ना, फायर ब्रिक का यूज़ करते हैं, तो इसी फायर ब्रिक को हम लोग बोलते हैं बॉयलर सेटिंग। ठीक है, तो आइए इसको पढ़ते हैं समझते हैं। इसमें देखिए लिखा है बॉयलर में अग्निशइंट इंटो मतलब कि फायर ब्रिक्स की चिनाई को बॉयलर सेटिंग कहते हैं। मतलब कि जो इंटे लगे होते हैं भट्ठी के अंदर चारों तरफ ताकि मेटल गल ना जाए, जो उसके सेल में स्टील के बने हुए गल ना जाए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फायर ब्रिक बोलते हैं, और इसी फायर ब्रिक को हम क्या बोलते हैं, बॉयलर सेटिंग बोलते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक में क्या है कि बॉयलर सेटिंग में भट्ठी दहन कक्ष मतलब कि कंबस्टन चैम्बर आदि बने होते हैं, और इसी में जो चारों तरफ सिंटे लगे होते हैं उसी के बीच में उसी में क्या होता है, कंबस्टन चैम्बर बना होता है, यानी कि जहाँ वहाँ भट्टी होती है जहाँ आग जलती है। ठीक है, इसमें दग्ध गैस मतलब कि फ्यूल गैस निकलने के लिए एक मार्ग होता है जिसे फ्लू कहते हैं। मतलब कि इसमें एक मार्ग भी बना होता है जिससे कि जो जलने के बाद जो धुआं उठता है उसे बाहर निकलने के लिए एक स्थान भी बना होता है। मतलब किसे बना होता है, इसी बॉयलर सेटिंग में ही बना होता है। ठीक है, आगे देखिए, कुछ बॉयलर सेटिंग बॉयलर के अंगों को सहारने का काम भी करते हैं। मतलब कि कुछ सेटिंग मतलब कि जो अंदर जो इंटे लगाए गए हैं वो बॉयलर सेल को सहारने का काम भी करते हैं। जब बॉयलर पर जो भी पार्ट्स लगे होते हैं जैसे प्रेशर गेज, सेफ्टी वाल्व, वाटर लेवल इंडिकेटर, उसे भी सहारा देने का काम करते हैं। ठीक है, मतलब मजबूती को बढ़ाते हैं बॉयलर सेल को। ये चीज़ हो गई, इतना हम लोगों ने पढ़ लिया बॉयलर सेटिंग के बारे में। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पार्ट है वो है हमारे फर्नेस के बारे में, भट्टी के बारे में। तो भट्टी के बारे में हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए भट्टी हम लोग जानते हैं फ्यूल का कंबस्टन होता है और वो हीट जनरेट करता है, तो हीट हमारे वाटर को
स्टीम में कन्वर्ट करती है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या मटेरियल दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है भट्टी बॉयलर का वह भाग जिसमें ईंधन का दहन होता है, इसे अग्नि बॉक्स मतलब फायर बॉक्स भी कहते हैं, जिस जो चीज़ हमने पहले फिगर में बताया था आपको, इसे अग्नि बॉक्स मतलब कि फायर बॉक्स भी कहते हैं। किसको कहते हैं? जो हमारा फर्नेस है, जो भट्टी है उसे, ठीक है। आगे है, भट्टी का स्थान बॉयलर की चिनाई में अथवा बॉयलर खोल में होता है। चिनाई का मतलब जहाँ पे ईंट लगे हुए हैं, जो फैब्रिक लगा हुआ है उसमें होता है, मतलब कि सेल में होता है, बॉयलर सेल में होता है, ठीक ना। भट्टी का डिजाइन प्रयुक्त ईंधन मतलब ठोस द्रव गैस के अनुसार होता है, मतलब जो भट्टी का डिजाइन किया जाता है उसमें कौन सा फ्यूल जलाया जाना है, जैसे ठोस फ्यूल जलाना है कि द्रव जलाना है कि गैस, मतलब कि कोयला जलाना है कि डीजल पेट्रोल जलाना है या फिर गैस का यूज करना है, उसके बेसिस पे उसके कंबसन चैम्बर मतलब कि फायर बॉक्स की रचना की जाती है, ठीक है, ये चीज़ में बताया गया है। आगे देखिए, भट्टी में ईंधन तथा वायु भेजने तथा उत्पन्न राख को निकालने की आवश्यक प्रबंध होती है। अब भट्टी में क्या होता है, भट्टी में जो भी मतलब कि कोई भी फ्यूल जलेगा तो वहाँ पर वायु तो भेजना पड़ेगा, मतलब ऑक्सीजन तो जाना ही चाहिए, तो उसको ऑक्सीजन को पहुँचाने की व्यवस्था हो, मतलब कि वायु को पहुँचाने की व्यवस्था हो, और जो फ्यूल बर्न हो जाए तो उसे बाहर निकलने के लिए जो धुएं बनेंगे उसे बाहर निकलने की भी व्यवस्था उसमें होनी चाहिए। तो ये सारी बातें हैं फर्नेस के बारे में, भट्टी के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे जो टॉपिक हमारे पास है वो है ग्रेट एंड ग्रेट सरफेस, मतलब कि जालका एवं जाल का पृष्ठ, मतलब कि उसमें जो जाली लग रही है जिस पे हम लोग कोयला रख कर जलाते हैं उसके बारे में क्या है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग भली भांति परिचित है। अगर हम लोग आप लोगों के घर में जो है छोटी वाली भट्टी जो अंगीठी बोली जाती थी, अगर वो यूज किए हैं तो काफ़ी कुछ आपको समझ में आ जाएगा, आ रहा होगा आपको। तो आइए देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। भट्टी का वह भाग जिस पर ठोस ईंधन का प्रज्वलन तथा दहन किया जाता है जालका कहलाता है। भट्टी का वह भाग जिस पर ठोस ईंधन का प्रज्वलन तथा दहन किया जाता है जालका कहलाता है, ठीक है। जालका को भट्टी के अंदर इस्पात या ढलवा लोहे के छड़ों द्वारा एक मंच के रूप में निर्मित किया जाता है। जालका किसको बनाता है? इस्पात या फिर ढलवा लोहे के छड़ों के द्वारा बनाया जाता है। जो जालका मतलब क्या होता है, वो छड़ के माध्यम से जोड़ के बनाया जाता है जालीनुमा, जैसा कि आपने देखा होगा कि इस तरीके से एक जालीनुमा बनाकर जो तैयार किया जाता है उसी के ऊपर पे ठोस ईंधन रख के जलाया जाता है, ठीक ना। ये चीज़ें हो गई। आगे देखते हैं, दो छड़ों के बीच कुछ स्थान होता है जिससे होकर के वायु जालका पर आ सके तथा राख जालका के नीचे गर्त में गिर सके। वायु उसे पास होगी तो कोयला जलेगा, और कोयला जलने के बाद से जो उसका राख होगा नीचे गिर सके, ऐसी व्यवस्था होती है। जालका के ऊपरी सतह को जालिका पृष्ठ करते हैं, मतलब कि जाली के ऊपर वाले जो सरफेस होता है उसको जालिका पृष्ठ करते हैं, जिस पर ईंधन को जलाया जाता है तथा जालिका पृष्ठ का राइस इस क्षेत्रफल के वर्ग मीटर से व्यक्त किया जाता है, मतलब कि यहाँ पर जो जाली जो यूज किया जा रहा है उसको क्षेत्रफल में व्यक्त किया जाता है, वर्ग मीटर में व्यक्त किया जाता है, कितना वर्ग मीटर लगा हुआ है जाली इस, हम लोग जो उसका जो एरिया की बात करेंगे हमेशा वर्ग मीटर में ही उसका बात करेंगे। ये हम लोगों ने जालिका के बारे में पढ़ लिया और समझ लिया। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत है तो सबसे पहले इसका PDF डाउनलोड करिए और इसे खुद से अच्छे से पढ़िए और फिर से वीडियो को देखिए, तो आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका जल नलियाँ या फिर हेडर। जल नलिया हेडर के बाद क्या है? जल नलिया जैसे नाम से समझ रहे हैं कि ट्यूब के बारे में बात की जा रहा है, ऐसा ट्यूब जिसमें वाटर फ्लो होता हो। वाटर ट्यूब का यही मतलब है, जैसे ऐसा ट्यूब या ऐसा पाइप जिसके अंदर वाटर फ्लो होता हो। तो जब पानी जो है वाटर ट्यूब में फ्लो होगा तो आग जो है फायर है वो बाहर होगा, इस तरीके से वो स्टीम में कन्वर्ट होगा। तब इसके बारे में क्या बताया गया, देखिए यहाँ बताया गया जल नलियाँ मतलब वाटर ट्यूब जल प्रवाहित होता है, मतलब जल नलियों में जल प्रवाहित होता है, मतलब वाटर ट्यूब में वाटर क्या करता है, फ्लो करता है, ठीक है। नलियों के सिरे पर हेडर लगे होते हैं जो कि बॉयलर खोल से जुड़े होते हैं। अब बताइए रहा है कि जो नलियां हैं जो ट्यूब हैं उनके सिरों पर जो है हेडर लगे होते हैं, और ये हेडर सेल से जुड़े होते हैं, जो बॉयलर के सेल हैं उनसे जुड़े होते हैं, ठीक है। बॉयलर खोल का पानी इन हेडर से होकर नलियों में प्रवाहित होता है, वही बताया गया कि इसमें बॉयलर सेल से होकर के नलियों में प्रवाहित होता है, फिर गर्म होकर के वो स्टोरेज में चला जाता है, ठीक। ये हमने पढ़ लिया जल नलियों और हेडर के बारे में। आगे जो बात आती है वो है चिमनी, तो मेन पार्ट है वो हमारा है चिमनी। चिमनी किस काम के लिए आता है? तो ये हम लोग जानते हैं कि चिमनी जो है जो भी जली हुई गैसें हैं या फिर गारे धुआं उसके जो वेस्टेज हैं
उसको बाहर निकालने के लिए, एटमॉस्फेयर में छोड़ने के लिए काम में लाया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं क्या है। देखिए, भट्ठी में ईंधन दहन के फलस्वरूप भी दग्ध गैसों का उपयोग जब पानी गर्म करने में हो जाता है तो उनकी चिमनी के माध्यम से बॉयलर से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, इतना तो हम समझते हैं। आगे देखिए, चिमनी में गैसों का प्रवाह प्राकृतिक वायु प्रवाह के फलस्वरूप होता है। वायुमंडल में प्रदूषण से बचने के लिए चिमनी को पर्याप्त ऊंचाई पर रखी जाती है। देखिए क्या होता है, चिमनी को ऊंचा क्यों बनाया जाता है या फिर बहुत ऊंचा क्यों नहीं बनाया जाता है, उसकी ये बात समझिए। चिमनी की ऊंचाई, इस तरह से चिमनी जो है, इसकी ऊंचाई जितना ही ज़्यादा होगी उतना ही वो फ्यूल को कंज्यूम करेगा, मतलब फ्यूल तेज़ी से चलेगा और धुआं ऊपर निकलेगा। ये क्यों होता है, ये प्रेशर डिफरेंस के कारण होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे चारों तरफ वातावरण में क्या है, एयर है। तो यहाँ सबसे नीचे एयर का प्रेशर जो है सबसे ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे प्रेशर क्या होगा, कम होगा। इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो धुआं है वो उठकर ऊपर जाता है। ठीक है, ये इस चिमनी को जितना ही बड़ा बना देंगे उतना ही प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा और उतना ही तेज़ी से धुआं क्या होगा, ऊपर की तरफ उठेगा। इसीलिए ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, चिमनी को नीचे रखना पसंद करते हैं, जैसे कि उनका फ्यूल कम से कम जले, मतलब कि जितना हो सकता उतना जले, एक्स्ट्रा ना जले। ठीक ना, लेकिन ये एटमॉस्फेयर के लिए ख़तरनाक होता है, क्योंकि जितना नीचे होगा उतना ही नीचे धुआं फैलेगा, अगर ऊपर होगा तो ऊपर जाके ये फैलेगा। तो एक निश्चित ऊंचाई पर ये होना चाहिए जहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन पर ये हो। ठीक है, यही इसमें बताया गया कि जो चिमनी की ऊंचाई है वो पर्याप्त रखी जानी चाहिए। ठीक ना, आगे देखिए, बॉयलर की चिमनियाँ सीमेंट कंक्रीट ईंटों की चिनाई तथा इस्पात चादरों की निर्मित की जाती हैं। जो चिमनी है वो जो सीमेंट से बनी हो सकती है, कंक्रीट से, ईंटों की चिनाई से, या फिर इस्पात चादर से बनी हो सकती है। ठीक है, ये हमने चिमनी के बारे में समझ लिया। ये हम लोगों ने 6 पार्ट जो है, हम लोगों ने मेन 6 पार्ट देखे हैं बॉयलर के, और इसके आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, आगे का जो भी टॉपिक होगा उसे हम लोग कवर करेंगे। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों को इसको शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। आप इसी के जस्ट बाद इसका PDF डाउनलोड करिए, और PDF में आप एकदम सेम PDF आपको ये मिल जाएगा, जहाँ से आप खुद भी इसे स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद एक बार और वीडियो देख लेंगे तो ये आपको हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।